बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर मेंडेलियन लॉज के बारे में बात करेंगे। मेंडल्स लॉज, इससे पहले हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन किया था इससे पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ टर्म्स यूज़ की थी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इसके अलावा हमने क्या यूज़ किया था, डोमिनेंट और रिसेसिव एंड रिसेसिव, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया था कि उसने मसलन होमोजाइगस है कैपिटल टी कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये टॉल के लिए है और है ये भी टॉल, लेकिन इसमें टी जो सा है इट इज़ डोमिनेंट, ठीक है, और स्मॉल टी इसमें क्या है, रिसेसिव। यानी मेंडल ने जो सा कैपिटल लेटर्स जो से थे, कैपिटल लेटर्स उसने यूज़ किए थे फॉर डोमिनेंट, सही, कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स थे उसके लिए उसने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए थे और स्मॉल लेटर्स उसने यूज़ किए थे फॉर रिसेसिव, सही। सो मेंडल्स ने जो पी प्लांट के पर सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हम सारा पढ़ चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, अगर आपको याद नहीं एक दफ़ा आप रिवाइज कर लें। जो मेंडल ने पी प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स थी वो इस तरह लेटर्स के अंदर शो किए, जो कैपिटल लेटर्स थे वो डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहे थे और जो स्मॉल लेटर्स थे वो रिसेसिव को शो करते थे, सही। इसके अलावा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस मतलब दोनों एक जैसे एलील्स हों और हेट्रोजाइगस मतलब एक डिफरेंट हो, सही। सो फिर इसी बेसिस के ऊपर इसने अपने दो लॉज बनाए, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ, मसलन एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, और जो एक और लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, इनके अगर हम मतलब पे जाएं, थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, आज़ाद, असॉर्टमेंट कहते हैं मिलना, सही, आज़ाद मिलना, यानी बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी बायसिंग के, जैसे आप कहते हैं ना, यानी बगैर किसी बायसिंग के वो एक दूसरे से मिलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन कहते हैं अलहदा होना, सही। तो अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा ब्रीफ करके समझाने की कोशिश करूँ, तो मसलन अगर दो मसलन कैपिटल टी एक प्लांट है जिसके दो अलीज़ कैपिटल की कैपिटल टी के हैं, एक और प्लांट है जिसके अलीज़ स्मॉल टी के हैं, सही। सो ये गैमेट्स बनाएगा कैपिटल टी के नाम से, यानी एक दो गैमेट्स बनेंगे इसके, दोनों के अंदर कैपिटल टी होगा, ठीक है, इसके दोनों गैमेट्स के अंदर स्मॉल टी होगा, सही। तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है, सही। और उसके बाद जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे, मसलन कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, सही। इस स्टेज के पर जब ये गैमेट्स, यानी ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमेट्स फॉर्मेशन है, सही है। तो गैमेट्स फॉर्मेशन के अंदर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, के एलील्स अलग-अलग हो रहे हैं, सही। और फिर जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो सा प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन है, सही। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई हो रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप यहीं पे फ़र्क समझ आ जाता है इन दोनों का तो आगे बहुत आसानी होगी, लेकिन फिर भी हम आगे थोड़ा चलते हैं। मसलन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, बेसिकली अलील्स अलहदा हो रहे हैं, ठीक है, किस तरह हो रहे हैं, यहाँ पर देख लें आप। मसलन ये दो
कह रहे हैं क्रोमोसोम है, उसके अंदर ये जीन अलहदा हो रहा है, ठीक है, ये जीन अलहदा हो रहा है और ये फिर गैमेट फॉर्मेशन के अंदर अलहदा अलहदा हो जाते हैं, सही है। यानी अलील पेयर सेपरेट एंड ईच गोज इनटू डिफरेंट गैमेट्स, दिस मॉडल ट्रैक्स वन गैमेट्स, ठीक है, यानी दो अलील्स हैं, एक अलहदा हो गया, सही। तो ये मेंडल लॉ ऑफ एग्रीगेशन है, ठीक है। और उसका असॉर्टमेंट क्या होगी कि वो अलील्स आके जिस तरह मैंने ऊपर डायग्राम बनाए थे, इस तरह आपस में आके वो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, सही है, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, सही। उसके बाद हम आते हैं अपने टेस्ट क्रॉस पे, सही। जो मेंडल ने मेथड यूज़ किया था अपने क्रॉसिंग के लिए, उसने यानी एक टेस्ट क्रॉस, अच्छा बेसिकली टेस्ट क्रॉस होता है क्या है, टेस्ट क्रॉस बेसिकली फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जब हमें पता ना हो कि आगे कि नेचर क्या है, यानी इधर लिखा हुआ एफ इफ, ठीक है, यानी कि या तो ये कैपिटल पी के साथ है या एक स्मॉल पी के साथ है, सही है। अच्छा ये दोनों होंगे पर्पल, ठीक है, दिस बोथ वन एंड टू, वन एंड टू बोथ आर पर्पल, ठीक है। इसमें जो वन है डेट इज पी पी, ये होमोजाइगस है, सही, लेकिन जो टू है पी स्मॉल पी, ये हेटरोजाइगस है, लेकिन जो पी है इसमें वो डोमिनेंट है, कैपिटल लेटर से है ना, सो इट मीन्स इट इज डोमिनेंट, सही। सो टेस्ट क्रॉस बेसिकली किस लिए, कि हम जानना चाहते हैं कि जो पर्पल फ्लावर है ये कैपिटल पी की वजह से है या कैपिटल पी स्मॉल पी की वजह से, तो उसके लिए अलग अलग फिर वो क्रॉस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको डब्बे यूज़ हो रहे हैं इन्हें हम पुनट स्केयर कहते हैं, सॉरी पुनट स्केयर, सही। तो पुनट स्केयर बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल टूल फॉर टेस्ट क्रॉस, सही, कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो मेल के गैमेट्स हैं, ठीक है, ऊपर रख लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मेल गैमेट्स ऊपर होते हैं, नीचे फीमेल के गैमेट्स होते हैं, तो इस तरह हम उनके गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करवाते हैं, सही। सो अगर ये कैपिटल पी हुआ, सही है, तो हमारे पास अब इसने क्या किया है बेसिकली, इसको उसने वाइट होमोजाइगस रिसेसिव वाइट के साथ उसने क्रॉस करवाया, ठीक है। अब ये टेस्ट क्रॉस है बेसिकली, हमारे पास पर्पल फ्लावर है उसे हमने होमोजाइगस वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है। सो अगर हमारे पास सब पर्पल आते हैं, यानी ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर पर्पल, यानी सब जो से अगली जनरेशन आएगी वो पर्पल है, इसका क्या मतलब होगा कि ये कैपिटल पी दुरुस्त है, यानी ये जो हमारे पास अननोन जीनोटाइप थी वो कैपिटल पी है, सही। लेकिन अगर ये कैपिटल पी स्मॉल पी है तो फिर क्या होगा कि हमारे पास दो पर्पल आएंगे, ठीक है, यानी ये यानी इसका तो आपको आइडिया हो गया होगा, मसलन ये इस तरह, ये इस तरह, फिर ये इस तरह और ये इस तरह, इस तरह हम इसमें पुट करते हैं स्केयर्स के अंदर इसके मुताबिक, सही। तो हमारे पास कैपिटल पी स्मॉल पी हो जाएगा, फिर स्मॉल पी जो स्मॉल पी है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वाइट आ जाएंगे। सो अगर हमारे पास मसलन फोर आउट ऑफ फोर पर्पल हैं, ठीक है, तो हम फर्स्ट वन करेक्ट करेंगे, यानी तो फिर हमारे पास जो जीनोटाइप होगी वो कैपिटल पी है, ठीक है। फिर टू आउट ऑफ फोर पर्पल हैं अगर, सही, तो ये हमारे पास कैपिटल पी और स्मॉल पी की होगी, ठीक है। तो इस तरह आप ये टेस्ट क्रॉस है जिसके ज़रिए आप कोई भी अननोन जीनोटाइप है वो फाइंड कर सकते हैं, सही। तो यही टेस्ट क्रॉस मेथड यूज़ किया था मेंडल ने, क्योंकि जब पौधे आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, एक पर्पल कलर का फ्लावर के साथ पौधा खड़ा है, ठीक है, आपको नहीं पता इसकी जीनोटाइप क्या है, तो आप क्या करेंगे, उसका टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो यही मेथड किसने यूज़ किया था, मेंडल ने, सही। इसी तरह मसलन इसमें एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है,
और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। अच्छा, मोनो हाइब्रिड किसे कहते हैं भला? हाइब्रिड कहते हैं दोगलापन। दोगलापन से क्या मतलब कि जिस किसी के अंदर अगर दो चीज़ों की खसूसियात है, सही, इसे हाइब्रिड कहेंगे। मसलन एक इधर मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक टॉल प्लांट था, एक स्मॉल प्लांट था, ठीक है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये दोनों होमोजाइगस है, सही। तो पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा कि इसका कैपिटल टी गैमेट्स बनेंगे, इसके कैपिटल टी गैमेट्स बनेंगे, इसके स्मॉल टी बनेंगे, इसके स्मॉल टी, या फिर से सिंपल से कैपिटल टी भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों कैपिटल टी हैं, आप सिंपल एक कैपिटल टी कह दें, इसे स्मॉल टी कह दें, सही। और जब फर्टिलाइज होंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये हमारे पास क्या आ गया है, हाइब्रिड आ गया, ठीक है, दिस इज़ हाइब्रिड। और ये मोनो हाइब्रिड है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हम टाल और शॉर्ट के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है और कैपिटल वाई यानी टॉल भी है और येलो भी है, टॉल एंड येलो, सही। तो अगर इसमें हाइब्रिड आता है, मसलन कैपिटल टी कैपिटल वाई है, इस तरह इसका अगर हम क्रॉस करते, इसका क्रॉस करते हम स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई बनेंगे सारे, इसके जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल वाई बनेंगे सारे, और जब ये क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है। तो अब ये एलील्स डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन ये अब डाई हाइब्रिड होंगे, दिस इज डाई हाइब्रिड, सही। सो जो टेस्ट क्रॉस है ये मोनो हाइब्रिड भी हो सकता है, डाई हाइब्रिड भी हो सकता है, सही। फॉर एग्जाम्पल मोनो हाइब्रिड क्रॉस किस तरह होगा कि हम क्या करते हैं, फिर ये बेसिकली ये पी वन है, पी वन से क्या मतलब है कि ये पेरेंट जनरेशन है, दिस इज पेरेंट जनरेशन। और फिर ये जो उनसे हमारे पास आई ये एफ वन है, एफ वन से मतलब कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। जो हमारे पास एफ वन आ रही है ये हाइब्रिड आ रही है, यानी मोनो हाइब्रिड फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमारे पास आ रही है। फर्स्ट फीलियल कहते हैं जो नई नस्ल होती है, ठीक है, फीलियल मीन नई नस्ल, जो नई नस्ल आई है, सही। सो अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ये किस तरह होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब जो इसके गैमेट्स बनेंगे वो भी डिफरेंट बनेंगे, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे एक कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा, इसके भी जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा, सही है। और फिर ये आगे जाके कह लें कि इनकी ये होगी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस स्टेज पे, यानी जब क्या बने हैं गैमेट्स, यानी ये क्या बने हैं गैमेट्स, गैमेट्स के स्टेज पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, सही। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये कैपिटल टी, सही, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हो, सही। तो जो ये फर्स्ट वन होगा ये होमोजाइगस टॉल होगा, ठीक है, और जो टू एंड थ्री हैं ये हेट्रोजाइगस टॉल होंगे, और ये लास्ट वन जो सा है ये होमोजाइगस स्मॉल होगा, स्मॉल। तो हमारे पास लास्ट में जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 1:2:1, ये रेशो तो होगी जीनोटिपिकली, ठीक है, कि 1:2:1, यानी एक होमोजाइगस टॉल है, दो जो से हैं हेट्रोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस स्मॉल है, ये जीनोटिपिक रेशो है, ठीक है, यानी ये इसके जीन्स होंगे। लेकिन हमें बज़ाहिरन किस तरह नज़र आएगा वो, कि बज़ाहिर उसकी जो रेशो होगी वो 3:1 होगी, क्योंकि तीन टॉल होंगे और एक
स्मॉल होगा क्योंकि हमें जीनोटाइप तो ज़ाहिर ही नज़र नहीं आएगी ना कि उसके एलील्स किस किस्म के, हम तो सिंपल देखेंगे उसका फिगर कैसी है प्लांट की। तो उसमें हमारे बस तीन टॉल और एक स्मॉल है, यानी 3:1। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जितने भी आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसके अंदर आपके पास जो सी रेशो आएगी ऑलवेज 3:1 आएगी। ठीक है, कि तीन आपके पेरेंट्स से मैच करेंगे जिस तरह के पेरेंट्स थे, और एक जो है वो संभाल होंगे। सही। यही काम हम पुनेट स्केल में भी कर सकते हैं। किस तरह वाला, कि मसलन हमने कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगर हम इसका पुनेट स्केल बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें भला, सॉरी इसे इस तरह नहीं, यानी इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, तो हम इनके अगेंस्ट स्केल बना देंगे। कैपिटल टी हो जाएगा यहाँ, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। सही, कि इधर से ये गया, इधर से ये उतरा, इधर से ये आएगा, इधर से ये उतरेगा। इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी लास्ट में आ जाएगा। ये जो तीन है, 1, 2 एंड 3, ये टॉल होंगे, थ्री टॉल निकल आएंगे मेरे पास, और एक जो सा है वो शॉर्ट होगा, वन इज शॉर्ट। ये पुनेट स्केल है। सही। ये जो 3:1 निकाल रहे ना हम, ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगेन स्टैटिस्टिक्स से लिंक करता है इसका, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स सही, स्टैटिस्टिक्स से लिंक करता है। तो स्टैटिस्टिकल टूल है पुनेट स्केयर भी, यानी पुनेट स्केयर बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कि हम बेसिकली चेक करते हैं कि आया हमारा जो सा वो पॉसिबिलिटी क्या है, कि जो यानी आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी भी इवेंट के जो चांसेस होते हैं उसको प्रोबेबिलिटी कहते हो। ठीक है, कि मसलन अब भी ऊपर जो हमने क्रॉस किया है, मसलन P1 से अगर हम स्टार्ट करें, P1, ठीक है, इसमें 100% टाल थे, P1 के अंदर 100% टाल आया आपके पास जो, यानी P1 में एक टॉल था, एक शॉर्ट था, सॉरी। उसके बाद जो F1 था उसके अंदर, F1 के अंदर 100% टॉल आया, 100% टॉल। सही। और जब हमने F1 क्रॉस F1 किया है, ठीक है, यानी F1 क्रॉस F1 किया है, तो उस टाइम हमारे पास रेशियो डिफरेंट हो गया है। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी वो 3:1 की आई है। व्हाट इज़ मीन बाय 3:1, यानी 3:1 से मुराद ये है कि 33.3% जो उनसे हैं वो आपके पास शार्ट आएंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो उनसे है, नहीं सॉरी 33 नहीं बल्कि 25%, सॉरी सॉरी 25% स्मॉल होंगे आपके पास, और 75% टॉल आएंगे। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। सही। तो ये भी आपने चेक किया है ड्यूरिंग क्रॉस। ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर थोड़ा सा वो लेंथी होता है, ठीक है, वो हम कल स्टडी करेंगे। सही। उसके अलावा हम थोड़ी बहुत और भी इसमें डिटेल में जाएंगे कि ये क्रॉस किस किस आप कंडीशन में यूज़ करते हो। सही। आज के लेक्चर के अंदर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो फाइंड की, और मेंडल्स ने किस तरह चीज़ें इंटरप्रेट की उसके बारे में बात की। अगले लेक्चर के अंदर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे।